नमस्कार फ्रेंड्स, 21 जून 2023, टुडे इज़ द इंटरनेशनल योगा डे। सो आज मैं आ गई हूँ गुरुग्राम के सुशांत यूनिवर्सिटी कैंपस में। यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने जा रहा है इंटरनेशनल योगा डे, और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डॉक्टर विवेक दत्त जी। सो यहाँ पे वेरियस पैनल्स ऑफ डॉक्टर्स होंगे, और यहाँ देखते हैं इस फोरम में क्या होता है। सो आप भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए और देखते हैं योगा डे सेलिब्रेशंस। आज हमारा योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इसको कहते हैं हम आज, और हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सुशांत यूनिवर्सिटी में, भाई दत्त सुशांत यूनिवर्सिटी और दत्त होम्योपैथिक सेंटर की तरफ से। योगा दिवस हम इसलिए मना रहे हैं यहाँ पर कि योगा के लिए लोगों के अंदर और जागरूकता बढ़े, और हमारे बहुत सारे मेंटर्स आज आए हुए हैं योगा के, और वो आपको योगा का क्लिपिंग भी देखेंगे, आप योगा का बारे में भी पता करेंगे, और हम आगे आपको नई नई जानकारी योगा के बारे में देते रहेंगे। हमारे साथ पैनल ऑफ डॉक्टर 6 डॉक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर वीना गोराई हैं, डॉक्टर सुनीता चौहान हैं, डॉक्टर दिशा दत्त हैं माय वाइफ, एंड डॉक्टर सुनील कुमार हैं, और डॉक्टर भारती जी हैं जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर घनश्याम जी हैं जो योगाचार्य भी हैं। तो ये सब लोग हमारी सारी टीम में हैं, INO की टीम पूरी यहाँ पर आई हुई है, गुड़गांव की INO की टीम, और इसका हम अभी कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी बहुत ही पुराना होलिस्टिक साइंस है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। इस होलिस्टिक साइंस को हम प्रमोट करने के लिए ही आज ये योगा दिवस मनाते हैं। ये हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्टार्ट किया था 2014 में, तो उस दिन से हम इस योगा दिवस को मनाते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में इस समय योगा दिवस मनाया जा रहा है, और आज थोड़ा सा बारिश की वजह से, व्यवधान होने की वजह से, लेकिन हमारा योगा डे कंटिन्यू रहेगा। और मैं आपको कुछ लोगों से, अपने डॉक्टर साहब से मिलवाता हूँ, आइए। योगा दिवस के बारे में देखिए, योग दिवस आज हम एक बड़ा, बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में हम लोग मनाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए, तो हम चाहते हैं कि ये डेली इस तरह से हम अगर मनाए तो अच्छी बात है, क्योंकि योग से ही, जो आपके, आपने देखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, आपके हमारा योगा का थीम रखा है, तो इसीलिए रखा है कि वसुधैव एक पृथ्वी है और कुटुंबकम एक परिवार है, तो योग के माध्यम से हम इस परिवार को हम पूरा एक कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आपसी मतभेद और मतभेद को हटाकर हम सब एक हो सकते हैं, क्योंकि सारा हमारा विश्व जो पूरी तरह से एक बीमार हो गया है, अपनी मानसिक सोच की वजह से, मानसिक विकृति की वजह से, अपनी शारीरिक बीमारी की वजह से, तो योग के माध्यम से हम शरीर को भी ठीक कर सकते हैं और मानसिक को भी ठीक कर सकते हैं। जब ये दोनों चीजें हमारी ठीक हो जाएगी, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वही आ जाएगा जो सारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व मेरा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आइए मैं आपको और लोगों से मिलवाता हूँ अपने। ये हमारे घनश्याम जी हैं, ये योगा इंस्ट्रक्टर हैं। ये सुनीता कटारिया जी, बताइए सुनीता जी, आज योगा डे के बारे में। आज हम यहाँ सुशांत यूनिवर्सिटी में अपने योगा डे, 9th जो इंटरनेशनल योगा डे है वो मनाने जा रहे हैं। ये हम INO के इंटरनेशनल, जो INO इंटरनेशनल INO ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तत्वाधान में ये प्रोग्राम आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है, और मैं सभी को 9वे इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक बधाई देती हूँ। और यहाँ पर सब लोगों का उत्साह बहुत अच्छा है, सब बड़े उससे कर रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर जगदम्बे वर्मा, द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ, और योग से मैं जुड़ी हूँ, मैंने योग में मास्टर किया है, वैसे संस्कृत मेरा विषय रहा है, संस्कृत में PhD हूँ। योग दिवस जो हम मना रहे हैं, न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में, क्योंकि हमारे भारत की भूमि जो है वो ऋषि मुनियों की भूमि रही है, योग हमारे लिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण, बालक बच्चा बच्चा, ऋषि मुनियों ने इतना योग का ज्ञान दिया, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के थोड़े प्रभाव के कारण कहीं वो लुप्त होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, तो ये एक भारतवर्ष है जो इसको पुनः उत्थान करके पूरे विश्व में इसका प्रचंड फैलाना चाहता था, तो इसलिए योग दिवस को 21 जून को, आज जो हम 9वां
योग दिवस मना रहे हैं, इसको पुनर्स्थापित करने के लिए ये कदम उठाया है। मैं और पूरे भारत में ये संदेश जाता है, आज योग दिवस पर सभी संस्थाओं में, सभी गली गली में, सभी मोहल्लों में, सभी क्षेत्र में, सेक्टर्स में, सब जगह योग दिवस का जो आज बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। सभी को मैं योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सेल्फ योगाचार्य घनश्याम यादव, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी सौभाग्यशाली और भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि इस योग के संकल्प के साथ, जिसकी परिभाषा आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी समत्वम योग उचिते, मेरे जीवन में, मेरे कर्मों में कुशलता पूर्वक मैं निर्वाह कर सकूं। और मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि योग की परिभाषा है कि कर्मों में कुशलता, वाणी में मधुरता और विचारों में तेजस्विता लाने वाला एक संकल्प जो योग है। आज हम सभी इसी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बन रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी को इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इसको जो इंटरनेशनल योगा डे बनाया है, इसके लिए मैं उनको और पूरे भारत के वासियों को बधाई देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये योग दिवस सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, इस योग को हमें रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है दूसरी जो दवाइयों के पीछे जो लोग जा रहे हैं, उनसे मैं कहती हूँ कि उनसे पहले आप योगा और अपने जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए और योगा को अपनाइए। जितना आप योगा को अपनाएंगे, आपको दवाइयाँ और जो आर्टिफिशियल चीजें हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो योगा को अपना के अपने जिंदगी को, अपने जीवन को शुद्ध कीजिए, क्योंकि जो ये हमारे भारत की पद्धति है, ये जो देन है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। और योगा है तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य बना रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय आनंद विद्यार्थी, 1965 से योगासन में लगा हुआ हूँ और 30 वर्ष हो गए मुझे दवाई छोड़े हुए, कोई दवाई नहीं खाता। और मैं हजारों कैंप लगा चुका हूँ, मैं छोटे थे योगासन के, जिसमें सिखाता हूँ कि हम बिना दवाई 100 वर्ष तक कैसे स्वस्थ रहे। तो योगासन वो चीज़ है जो हमें स्वस्थ रखती है, कोई दवाई ऐसी नहीं है जो हमें रोगों से बचाए, योगासन हमें योगों से बचाता है। मैंने 1965 में धीरेन्द्र मुचारी से सीखा था और आज तक योगासन करता हूँ। पिछले दिनों एक नब्ज देखने वालों को दिखाया मैंने, वो देखकर हैरान हो गया कि आप ये समझ नहीं आ रहा कि आपके पे इतने रोग आक्रमण करने वाले हैं, आपने अपने को बचा कैसे रखा है। मैंने तो ये बताया कि योगासन के द्वारा आपने को बचा रखा है। मैं एक वर्ष पूर्व यहाँ आया था और मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था आपकी ब्लॉकेज है, आप तुरंत भर्ती हो जाओ। मैंने कहा मुझे भर्ती नहीं होना, फिर कैसे ठीक करोगे? मैं कहा योगासन से ही ठीक करूंगा। और मैंने अपने को योगासन से ठीक किया। योगासन वो चीज़ है जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे सिस्टम हमारा ठीक रहता है, तो करेंगे कपाल।
गांधी सांस को से बाहर निकालना है, एक सेकंड हमेशा सांस को छोड़ते हुए पेट अंदर सांस बाहर, उल्टा भी करना है, पेट अंदर करते समय सांस को लेना नहीं है, जब पेट अंदर कर रहे हैं तो सांस को बाहर करेंगे, ध्यान करते हुए सांसों पे उल्टा सर आप उल्टा करेंगे आप सांस को छोड़िए बाहर, नहीं पेट को आप क्या करें ऑन दे दे सांस को लेके जैसे नाक में कुछ गिर जाएगा नाक के साथ करते
श्वास लेंगे। जैसे कि हम लोग खास पोजिशन पर बैठते हैं, ये नर्व बंडल्स स्टिमुलेट होते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे ब्रेन को, स्पेशली हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी को। ये क्या चीज है? ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में वो केमिकल्स सीक्रेट करती है जिसको हार्मोन्स बोलते हैं। हमारे पैदा होने से लेके हमारे मेटाबॉलिज्म ग्रोथ, हर चीज हार्मोन्स कंट्रोल करता है। इसका इंबैलेंस लीड्स टू ऑल काइंड ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस सिंड्रोम्स। अब बात करता हूं फटीग की, थकान की, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। सबसे मेन कारण है हाइपोएड्रेनल, एक एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारे यहाँ भी हमारी बॉडी के अंदर। अगर किसी ने सुना हो एड्रिनल ग्लैंड, अखरोट के साइज की ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर होती है। चार तरह के हार्मोन बनते हैं इसमें, एंडोस्टेरोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है और एड्रेनालिन है। ये अलग अलग हिस्से को कंट्रोल करते हैं, सबसे जरूरी करते हैं स्ट्रेस को। यकीन मानना कभी भी आपको किसी भी तरह का क्रोनिक प्रॉब्लम है उसके अंदर ये एड्रेनल ग्लैंड इन्वॉल्व हुई, हाइपोएड्रेनिया इज द कॉज। ये सबसे मेन कारण होता है क्रोनिक बीमारियां। जैसे सबसे पहले क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, बहुत सारे थकान है, काम करने का दिल ही नहीं करता, 12 बजे से 11 बजे तक ऐसा होता है कि बैठते हैं। आई नीड सम सपोर्ट। देन कम्स आईएसडी, इस्टेमिक हार्ट एड्रेनल ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो रहा है। कैसे जाने? ये सब बड़ा सिंपल सा छोटा सा टेस्ट बताता हूं। जैसे ही आप लगा, आप काफी देर से अगर आप देखते हुए आप डेट के ऊपर खड़ा होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यू फील डिजी और यू फील वर्टिगो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर सा आया, पकड़ लो मुझे। डेफिनेटली अ साइन ऑफ हाइपोएड्रेनिया, आपके बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड का सीक्रेशन कम हो रहा है, आपकी आप फटीग की तरफ जा रहे हैं, बॉडी थक रही है। आप सभी को आज योगा डे की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कार्यक्रम के लिए द होम्योपैथिक सेंटर और सुशांत यूनिवर्सिटी की तरफ से आज आमंत्रण दिया गया था। आप सबका यहाँ बधाने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ युवाओं के लिए आज मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारा योगा दिवस मनाया जा रहा है उसमें मैं प्रेरित करना चाहूँगा अपने युवाओं को, जिनको आज का
आजकल बहुत ज़्यादा नशे की तरफ जाने का बद बना हुआ। तो योगा जो है हमारी एक विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा बहुत जरूरी है। मैं लास्ट 20 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ होम्योपैथिक में, INO में, प्राकृतिक चिकित्सा में और मैग्नेटिक एक्यूप्रेशर में, और मैं साथ में योगा भी कर रहा हूँ। मेरी जो पूरी INO की टीम है वो बहुत ही हमारा साथ देती है, हर जगह हमारी कैंपेन में हमारे साथ साथ। गुड़गांव की INO की टीम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और उनका आभार भी व्यक्त करूँगा कि वो मेरे हर बात कहने पे, हर बार मेरी टीम मेरे साथ खड़ी होती है और मेरे साथ उस जगह का साथ देती है और हमें सफल बनाने में आभार व्यक्त करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, योग निरोग काया, ये थीम है आजकल का हमारा। योग से निरोग काया, करोगे योग रहोगे निरोग, रोज योग करना है और योग कराना है। ठीक है पंजाब जी, तो योग सबसे सफल योग हमारे जो देखा गया है, अभी कोरोना का टाइम किया था, इसमें सबसे अच्छा योग कौन सा रहा है आप लोग सबको पता ही होगा, प्राणायाम ने हमारे इंटेक ऑफ ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। इंटेक ऑफ ऑक्सीजन में कोरोना में बहुत लोगों की हेल्प करी है हमने अपनी मेडिकेशन के साथ, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे सर ने बताया, आयुर्वेदिक चार्य सर ने बताया, जिनका हमारी मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उसके साथ साथ हम जिन लोगों को प्राणायाम के लिए बताया उनका ऑक्सीजन लेवल नो डाउटली काफ़ी इंक्रीज हुआ। कोरोना के फेस के टाइम पे काफ़ी लोग प्राणायाम करके ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरीके से योग आजकल हमारी दिनचर्या का एक पार्ट बन गया है, इसे हमें अपनाना भी चाहिए। जितना अपनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, रोग नहीं रहेगा अगर योग रहेगा। डॉक्टर पूरण चंद जी हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, ये वहाँ पर आपका साइकोलॉजिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, ये वहाँ पर BPO सेक्टर को और इन सेक्टर्स को साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं थ्रू द योग। मैंने भी इन सब के साथ काफ़ी साइकेट्रिस्ट पेशेंट्स को योग के थ्रू ठीक किया। मेडिसिन के साथ साथ जब भी योग प्लस होता है तो उस मेडिसिन का प्रयोग भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और युवाओं के लिए मैं जो बात कर रहा था, युवाओं का आजकल नशे की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होता जा रहा है, उनके स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी जो है दिन ब दिन रिस्ट्रिक्ट हो रही है, उसका रीज़न भी यही है कि कहीं ना कहीं वो नशे की फेस में जा रहे हैं। तो मैं युवाओं को काफ़ी इसमें प्रेरित करना चाहूँगा कि युवाओं जितना हो सके योग को अपनाएं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें और अपने कैरियर को आगे। बहुत बहुत फ्रेंड्स, आज के इस खूबसूरत सुबह का सारा श्रेय जाता है डॉक्टर विवेक दत्त जी को, जिनके एफर्ट से आज का ये इवेंट सफल हो पाया और हमें योग, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी का अद्भुत संगम देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, योग अपनाएं, नेचर से जुड़े और समाज को निरोगी और सेहतमंद बनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।